क्या पहले जस्ट बोरिंग है, चलिए बनाते हैं कुछ इंटरेस्टिंग। आज मैं यूज करूंगी अपना 3 लेयर लंच बॉक्स, वो भी ब्लू कलर का, और इसमें रखूंगी मैं बोटाई पास्ता। और आपको बताना है मुझे इसका सही नाम इन 4 ऑप्शंस में से। और आप ये भी बताना है कि इन 4 पास्ताओं में से आपने कौन कौन से ट्राई किए हैं। ये पास्ता दिखने में बड़ा क्यूट लगता है और सही में ये बोटाई जैसा लगता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें मैं रखूंगी सैलेड, वो भी बहुत ही अच्छे अच्छे शेप्स में कटे हुए। कैरेट को मैंने काटा है जिगजैग शेप में, और फिर हम लेंगे क्यूकंबर, इसको मैंने बहुत ही पतले से स्लाइस में काट दिया है ताकि मैं इसका फ्लावर बना पाऊं। हमने बना दिए इसके 3 ब्यूटीफुल फ्लावर्स, और इसमें थोड़ी सी स्पेस बच गई है तो मैं इसमें रखूंगी 2 स्टार्स। ये मैंने मूली को काट के बनाए। आपको मुझे बताना है कि इन तीनों में आपको सबसे बेस्ट शेप किसका लगा। चलिए अब कुछ मीठा हो जाए, तो मीठे में सबसे पहले मैं रखूंगी स्ट्रॉबेरी, क्योंकि मेरी स्ट्रॉबेरी अभी तक खत्म नहीं हुई। फिर मेरा स्ट्रॉबेरी से मन नहीं भरा तो मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर स्टिक्स भी रख दी। नहीं बिल्कुल नहीं, अब मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर चॉकलेट नहीं रखने वाली। ओके, ये है मिल्की बार। साथ में रखेंगे तो स्पून, जो कि बहुत ही जरूरी है हमारे इस लंच बॉक्स के लिए। तो हमारा लंच बॉक्स हो गया पूरी तरीके से पैक। बाय बाय।